किन्हीं के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़, जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया हो। यहीं कहीं भटकती होगी उनकी रूहें, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, शायद तू देख सकेगा तेरे अपने है। ये कौन है, क्या नाम है इसका? अब्दुल। अब्दुल, पूछ इन सबको क्या होता है जिहाद, कुछ शायद अब समझ गए होंगे। इकतालीस बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते, सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है? हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, विसाद नहीं। क्या औकात है तेरे आका की? गर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तखलीक इंसान। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम के आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है? सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत दे रही थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया, कैसे बताता? ये तो जेहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? उसने कहा इस्लाम खतरे में है, दिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूम को। मादर चौद, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसल को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूहे पाकिजा और नूरानी रहेगी। देख इनके चेहरों को, घिन आती है, घिन। सुन इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को। मादर चोद, नाक को बंद करता है। सुन सुन, हम सॉन्ग 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 सॉन्ग, फरिश्ते आएंगे, शहर से पूरे नहलाए, तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया, दो गज जमीन तक नहीं मिली लाशों को। सारी दुनिया थूक रही, इसे कुर्बानी शहादत कहता। शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान हो गए।
भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी। सब लोग मातम मना रहे हैं, उनके लिए सबकी आंखों में आंसू है। उन्हें तो इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई, इसे शहादत कहते हैं। तो खुशी से झूम उठाता ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिस जिस को भी तूने मारा, कभी अपने जमीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? जमीर 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 जानता है जमीर। बच गए तो गाजी, नहीं तो शहीद। साले गीदड़, कफन के साथ साथ तेरी गांड पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी? ये मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके बाद है उनकी नसीहत, ये जानता भी है तू? शियात को तुम जैसे गुमराह होने तमाशा बना के रखा, तमाशा। करना है जात तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जहाद, जहादुल अकबर। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। अव्वल तो तुम मुसलमान हो ही नहीं। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। तेरे उम्र का बेटा है मेरा,